मैं दादा आपका। मेरा नाम ताराचंद मालाकार है, कहाँ के रहने वाले हो? स्याड़ा मथेला सर। क्या समस्या लेके यहाँ सर जनसुनवाई में आए हो? सर हमारी ये समस्या है कि सर जो रोड निकला हुआ है 4 लेन वाला, 4 लाइन वाला देश गांव से लेकर रूदी तक, तो हमारे इस साइड भी खेत है और इस साइड भी खेत है। अच्छा, दोनों साइड खेत है। हम जाए और क्रॉसिंग कहाँ से दी हमको जी? और जब हमने ये रोड का सर्वे हुआ तो जब हमने सर को बोला कि सर ये हमको रास्ता यहाँ से दो, तो सर ने बोला कि यहाँ सर्विस रोड निकलेगा। उसकी समस्या आज तक हल नहीं हुई है। इस वजह से क्या आप लोग खेत में नहीं जा पा रहे? तो खेत में काम ही नहीं कर पाए ना सर। अच्छा, समस्या इतनी बन गई है कि हम बैलगाड़ी कहाँ से ले जाए, सब्जी भाजी वहाँ से ले जाए, सब्जी भाजी सारी समस्या है सर। तो हमको सर उसका समाधान चाहिए। या तो कितनी बार शिकायत कर चुके सर? हम 4 बार आ गए, चौथा मंगलवार है जन सुनवाई में, मगर हमारी समस्या हल नहीं हुई। अच्छा, अगर हमारी समस्या नहीं हल होती है तो हम आंदोलन करेंगे सर। 15-16 फीट। आपका क्या नाम है भाई? पूनम चंद मालाकार। मालाकार जी क्या कहेंगे आप? हाँ। कुछ भी धरना वरना दे के रोड का कुछ न कुछ निराकरण करेंगे। अच्छा, 4 मंगलवार हो गए हैं। हाँ। कुछ भी निराकरण नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, ढोर डंकर गाड़ी बेल कहाँ से ले जाए, और फसल भी कहाँ से लाएंगे? फिर फसल भी कहाँ से लाएंगे, निकलेगा कहाँ से? निकल आइए तो सर, उसको कहाँ से लाएंगे? कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी ना है। सब्जी भाजी लगी हुई हमारी, गोभी भट्टे सब चीज बाजार पड़ता है, एक एक लाख लेके हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, बहुत परेशान है हम इसके लिए। महीने भर से आप इसका आवेदन दे रहे हैं? हाँ, मैं 1 महीने से दे रहा आवेदन दे रहे हैं, पर इसका कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला। अच्छा, इसके लिए जल्द से जल्द कोई भी सुनवाई की निराकरण होना चाहिए। ये जो NHAI वाले जो हैं, हाँ, उनको पास भी आपने बोला, हाँ, उनके पास भी हम चले गए, उनको भी आवेदन दिया है मैंने, उन्होंने भी कोई क्या कहते हैं हो जाएगा क्या, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। हम आएंगे, देखेंगे देखेंगे, मगर कोई देखने नहीं आया। ऑफिस में बैठ के बोल दिया, आज तक नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। अच्छा, तो ये जो समस्या है इससे कितने किसान प्रभावित है? उससे 30-40 किसान प्रभावित है। अच्छा, 30-40 किसानों को तकलीफ हो रही है। अच्छा, सब जो उनकी जमीन आधी आधी कट गई है रोड में, जो आधी आधी कटी है उसमें रास्ता ही निकलने का ही नहीं रास्ता, सिर्फ रोड ही है। मतलब बैलगाड़ी तो जा ही नहीं सकती, खाली आदमी नहीं चढ़ सकता है। अच्छा, डाक कहाँ से लेके चढ़ेगा? न ट्रैक्टर जा रहा है, न कुछ ऊपर नीचे आना जाना हो रहा है, सब सब्जी लगी है। अच्छा, मतलब मुश्किल हो रही है अपने को अपनी खेती करने में।